Assalamu alaikum. I am Azim. Guys, in this video, I am talking about the banning culture in Pakistan. तो यार अगर देखा जाए कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान में एक तब्दीली आई है जो कि ग्रेटर पाकिस्तान के नाम से है और इसके अंदर जैसे कि गूगल से लोग आए हैं सो कॉल्ड और दिखता तो नहीं है जैसे कि गूगल से लोग आए हैं पता नहीं कहाँ से आए हैं और ये क्या हो रहा है मेरी समझ से बाहर है और जैसे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला है वहाँ पे तो जनाब एफ चौधरी साहब तो सिर्फ चांद के पीछे दिखते हैं और तो कहीं नहीं आते हैं बस सिर्फ चांद का मामला होता है तो नजर आते हैं अदरवाइज जब ऐसे मामले होते हैं तो सॉरी यार नो वर्ड्स फॉर मोर अबाउट एफ चौधरी साहब। जैसे कि आप लोग जानते हो बैनिंग का कल्चर बहुत आम होते जा रहा है। अभी रिसेंटली PIA बैन हुआ, फिर पबजी बैन हो गया, फिर वीगो लाइव बैन हो गई और अब ये टिकटॉक को वार्निंग जारी हो गई, यूट्यूब के ऊपर मामला आ गया बैन होने का। तो सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितनी भी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप हैं उसके अंदर हमारा इंस्टाग्राम भी आ जाता है और फेसबुक भी आ जाता है और इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता सभी ख़त्म हो जाएगा ना। और जब मोबाइल के अंदर ये सारी ऐप्स ख़त्म हो जाएंगी ना तो मोबाइल यार वही 33 वर्ष वाला मोबाइल बेस्ट रहेगा। जैसे कि उसके अंदर जब कोई काम नहीं होता था ना लोग कैलेंडर या कैलकुलेटर से खेलते बस प्लस माइनस करते रहे और जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 2+4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 उसके ऊपर दूसरा फॉर्मूले। एक फ़ायदा है यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर शायद आप लोगों को मिल जाए। बस यार अब एक चीज़ और है जो कि मुझे लिवाई करनी थी ड्रोन, वो मैं अब नहीं ख़रीदूँगा क्योंकि मैंने आगे काम करना था, कुछ लोगों से बात करनी थी कि स्टोरी ये मैंने लिखी हुई है उसके ऊपर लोगों के साथ कुछ काम करना था। बट एनीवेज यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। डन, मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ यार। साथ साथ मैं अगर यार एक मिसाल देता चलूँ, अगर इस पैन के ज़रिए किसी की मौत हो जाती है तो इस पैन पर पाबंदी लगा दो। तो यार अगर किसी लाइब्रेरी में कुछ ख़राब बुक्स हैं तो इसका मतलब लाइब्रेरी जला दो। यार ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा पूरा प्लेटफॉर्म ही ख़त्म कर दिया जाए। पूरा प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता कभी भी, उसके दो रुख होते हैं। यार किसी भी चीज़ को बैन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, इसको रेगुलराइज करना चाहिए कि उसको कानून में लाएं। और कानून में यार इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए जो कि अगर कराची बोर्ड से जो बंदर ने पढ़ा है ना उसको इल्म होगा, मैं ये बात कर रहा हूँ। एक उर्दू की किताब में एक हमारा चैप्टर था नया कानून मंगो कोच मांग, तो वो बंदा बोलता है नया कानून। सो यार वी नीड अ न्यू लॉ, हमें नए कानून की ज़रूरत है जो कि इन तमाम चीज़ों को रेगुलराइज करें और वो हो जाएगा तो ना ही हमें बैनिंग की ज़रूरत होगी और ना ही कोई बेरोज़गार होगा। अगर देखा जाए कि YouTube बैन हो गया पाकिस्तान में तो क्या होगा, यार मुझे किसी का तो पता नहीं मगर मेरा तो बहुत नुकसान है। बिकॉज ये मेरे पास PC सिर्फ 1.5 लाख रुपए का मेरा PC है, ये सिर्फ वेस्ट चले जाएगा, मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने सिर्फ लिया ही एडिटिंग ग्राफिक्स की बेहतरी और थोड़ा बहुत गेमिंग के लिए, गेमिंग मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट नहीं करी है मगर ये मैंने PC बाय इसीलिए करा है। और ये माइक जो कि मैंने इतना अच्छा माइक बाय करा है इतना महंगा, वो मैंने बाय पहले करा था उसके बाद मैंने माइक बाय करा 10,000 रुपीज़। और ये जो जितना भी सामान रखा हुआ सब मेरा जाएगा वेस्ट इंक्लूडिंग माई फ्रेम। गाइज इफ यू आर यूजिंग एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सो प्लीज यूज द हैशटैग स्टॉप बैनिंग कल्चर। यार मेरी सिर्फ एक गुजारिश है इस वीडियो के जरिए कि किसी भी चीज़ का नेगेटिव रुख देख के सिर्फ फैसला ना हो, पॉजिटिव रुख भी देखा जाए उस चीज़ का और डायरेक्ट फैसला होने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का होगा, रेवेन्यू पाकिस्तान में नहीं आएगा। इस YouTube के जरिए भी जो भी अर्निंग होती है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही आती है, पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट होती है क्योंकि सर्कुलेट होता है पैसा पाकिस्तान में, डॉलर आते हैं पाकिस्तान में बिकॉज पाकिस्तान को अभी तो डॉलर की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब कह रहे हैं और कह रहे हैं, हमें वैसे ही सब कुछ पता है यार, क्या बात में पॉलिटिकल पे क्या जाऊँ मैं, जान नहीं चाह रहा।
अगर YouTube फिर भी बैन हो जाता है तो ये मेरी वीडियो फिर लास्ट होगी, और लास्ट इस सूरत में होगी कि मैं और अपलोड ना कर सका और बैन हो गया। तो बस अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो यार कमेंट जरूर करना स्टॉप बैनिंग कल्चर। तो बस मिलता हूँ आप लोगों से किसी दूसरी वीडियो में, अगर YouTube बैन नहीं हुआ तो। ओके जी, सी यू, अल्लाह हाफिज़। यार एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर बताना कि रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई है जो कि आईफोन 12 के बारे में वो लॉन्च होने वाला है। तो जब ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा और पाकिस्तान में तमाम ऐप्स बैन होंगी जो कि पाकिस्तान में जैसा कि केस चल रहा है, तो मिरर सेल्फी क्लिक करने के बाद अपलोड कहाँ होगी?